अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है कि ये फार्म जो जनरेट हुआ है ये किस तरह हमने जनरेट किया है। ये फार्म ऐसे है कि इसमें ये देखें, एम्प्लॉई आईडी है, नेम है उसका, और फादर नेम है, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट है। तो हम जस्ट इधर चेंज करेंगे आईडी, तो साथ साथ पिक्चर भी चेंज होगी, उसकी डिटेल भी चेंज होगी। तो आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है कि ये किस तरह पॉसिबल है कि हम जस्ट उसकी आईडी चेंज करें और आगे से उसकी डिटेल ऑटोमेटिकल चेंज होती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखें जी, मेरे पास फॉर्म है, ठीक है। इसमें हमने जस्ट सबसे पहले आईडी लिखनी है और इधर इक्वल टू करके वी लुक का फंक्शन अप्लाई कर देना है, वी लुक अप का। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली है, F4 करके इसे लॉक कर देना है, कोमा, टेबल अरे हमारा ये वाला होगा, ये वाला टेबल अरे होगा, F4 करके इसे भी लॉक कर दिया, कोमा, और कॉलम इंडेक्स दो नंबर है, हमें नाम चाहिए, नाम वाला ये है, आईडी वाला ये नेम वाला है, दो नंबर प्रेस कर दिया, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखे जी, एम्प्लॉई नेम भी आ चुका है, इसे कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर देना है। F2 करके इसको हमने सिर्फ कॉलम चेंज करना है, एंटर प्रेस करना है, ऐसे ही नीचे हमने करते जाना है, जस्ट कॉलम चेंज करते रहना है और कॉपी पेस्ट करके कॉलम चेंज करते रहना है और सारा हमारा काम होता रहेगा। अब हमने पिक्चर कॉपी करनी है, पिक्चर हमने यहाँ से इसे कॉपी करना है, पिक्चर को इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर आना है और राइट क्लिक करके हमने इधर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक, ठीक है, और यहाँ इधर आप होम में आए, होम में आके आप यहाँ पे क्लिक करें और ये लास्ट पे है लिंक पिक्चर के नाम पे, इसको आपने कर देना है। और नेक्स्ट आपने फार्मूला में आना है और नेम मैनेजर में आना है। नेम मैनेजर में आने के बाद न्यू पे आना है और इधर लिख देना है फ़ोटो, और नीचे आपने इंडेक्स का फंक्शन सबसे पहले अप्लाई करना है, कोमा, सॉरी ब्रैकेट ओपन करके आपने जाना है इधर डेटाबेस में और ये पिक्चर वाले कॉलम आपने सेलेक्ट कर देने हैं, कोमा, देन मैच का फंक्शन इधर अप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन। अच्छा जी, मैच किसके साथ हमने करवाना है, मैच हमने इसके साथ करवाना है और ये वाला डाटा या ये वाली वैल्यू हमारे किस कॉलम में है, वो है ये वाला कॉलम, ठीक है जी। कोमा प्रेस करने के बाद 0 प्रेस करें, ब्रैकेट क्लोज करें इंडेक्स वाली, फिर ब्रैकेट क्लोज करें मैच वाली और ओके कर दें। ओके करने के बाद यहां से आप इसे कट कर दें। इतना जस्ट आपने काम करना है और काम करने के बाद इधर आना है फार्मूला बार में। फार्मूला बार में आके आपने बैक स्पेस करके ये सारा रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने इधर फोटो लिख के इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है जी, और यहाँ पे आके आपने वैल्यू चेंज करनी है। तो ये देखें जी, पिक्चर भी चेंज हो रही है, ठीक है जी। याद रहे, इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ये वाली जो पिक्चर का साइज़ है ये एग्जैक्ट इक्वल टू हो इस वाली के साथ, ठीक है। अगर आप इसे चेंज करोगे, ठीक है जी, अगर लेट्स सपोज मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। ये जब भी देखो चेंज हो गया, क्योंकि ये पिक्चर है लिंक दूसरी पिक्चर के साथ। इधर मैं कोई भी आईडी लिखता हूँ तो ये देखें, ये ठीक आएगी, क्यों, क्योंकि
ये देखें अपनी जगह पे है। अगर मैं इसे थोड़ा सा यूँ करता हूँ और देन चलता हूँ शीट के पास, तो ये देखें जी यहाँ पे चेंज हो गया, ये लिंक है दूसरी शीट के साथ। तो जो चीज़ ध्यान में रखने वाली वो ये है कि बाद में चेंजिंग इसमें नहीं होनी चाहिए, राइट। जो चीज़ आपने इधर से कॉपी करके लिंक कर देनी है उधर, वो एज़ इट ही रहनी चाहिए, नहीं तो जो इसके मुजमरात हैं वो आपने देख लिए हैं, जो इसके मसले मसाइल बनेंगे नेक्स्ट वो आपको सामने आ जाएंगे, दिख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।